छवीस सोमवार चौबीसो चौराणु श्रावण सुद आठम शुक्रवार तारीख 2-8-68 न दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी ने श्री समय सार शास्त्र कर्ता कर्मधिका गाथा 75 पर सुवर्णपुरी मात्र समय सार शास्त्र सणुकोचन नंबर 586 नमो लोये सौरियंताणम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौवायरियाम नमो लोये सौजायानम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामदम औषधम से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र सुमंगल नमः समय साराय कर्ता कर्म अधिकार चलते हैं पंच गाथा। धर्मी का कर्म नाम कार्य क्या है, समझ में आया? धर्मी क्या काम करते हैं तो कहते हैं कि जो अंदर में राजद्वेष आदि परिणाम होता है और कर्म का परिणाम उदय का आदि शरीर की अवस्था, उसका ज्ञान करना जानपना करना वो अपना लक्ष्य है। ऐसा जानपना का कार्य धर्मी करते हैं, समझ में आया? मंदिर विरार में धर्मी करते नहीं और अंदर सुभाया वो भी करते नहीं, एम कहते हैं। ठीक, आत्मा राग से पुण्य से शरीर से कर्म से भिन्न पड़ा, भेद ज्ञान हुआ तब धर्म होता है। धर्मी अपना शुद्ध स्वरूप के धरने वाला वो धर्मी, राग को पर को धरने वाला वो धर्मी है ही नहीं, समझ में आया? तो कहते हैं कि जितना परिणाम यहाँ आया, अपन देखो उद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है। धर्मी जीव उद्गल नाम पुण्य ने पाप ना विकल्प जो दया दान व्यवहार रत्न त्रय, उसका जो राग परिणाम उसका ज्ञान को, ये पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, ये सब पुद्गल परिणाम है अज्ञान है। एक बाजु ज्ञान स्वरूप भगवान ज्ञायक, एक बाजु विकल्प राग से मानकर शरीर सब अजीव अज्ञान। तो ओ धर्मी जीव ये पुद्गल परिणाम जो राग आदि पुण्यादि परिणाम उसका ज्ञान को आत्मा के कर्म रूप से करता हुआ, आत्मा का कार्य रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है, अपने आत्मा को जानता है कहो कि अपनी पर्याय को जानते कहो, एक ही बात है, समझ में आया? शब्द आत्मा परा है पर वो तो परिणाम को जानते हैं, तो परिणाम को भेद करके आत्मा को रहा है। राजमल जी समझ में आया? आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसी दृष्टि जहां हुई सम्यक दर्शन हुआ साथ में आत्मा का ज्ञानपन हुआ, वो पुण्य पाप ने शरीर से तो भिन्न पड़ के हुआ है और अपनी पर्याय वर्तमान द्रव के साथ एकत्र हुआ तो ज्ञान हुआ है, समझ में आया? तो धर्मी क्या सब करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, गजरत चलाते हैं, आ सारा पुस्तक बनाते हैं, बोलते हैं, व्याख्यान करते हैं कि ना नहीं चक्रवर्ती दुकान उसके वो दीवान खाना में बैठे हो, इंद्र भी जिसका मित्र हो सिंहासन में बैठे हो, हीरा का सिंहासन हो,
और लड़ाई में भी दिखे, चक्रवर्ती लड़ाई करने को जाते हो तो कहते हैं वो क्या करते हैं उस धर्मी, सम्यक दृष्टि करते हैं क्या, कि उस समय में जो वो क्रिया शरीर की लड़ाई की वाणी की होती है और उस समय में जो राग आदि का परिणाम अथवा द्वेष आदि का परिणाम हुआ उसका ज्ञान को करता हुआ, उसका ज्ञान अपना कार्यपणे करता हुआ अपने को जानता है। है? नहीं नहीं जानता ही है, भले लब्धि रूप हो अपने को ही जानते है। ये तो उपयोग भले आबा जो अपन जानते तो अपने को ही है, ऐसी बात सूक्ष्म है ऐसा है। समझ में आया? क्यों कि भगवान आत्मा ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो अनुभव प्रतीत हुई तो ज्ञान की पर्यायी अंतर में से प्रकट होती है, वो राग और क्रिया है वो कारण से पर्यायी प्रकट होती है नहीं, और उसको जानना कहना वो भी व्यवहार है, चाहे तो लड़ाई में हो खड़ा हो उपयोग बड़े शुभ में हो, जानने की क्रिया ही उससे चलती है। जी नहीं सदा जी, करता हुआ है नहीं है, जानता हुआ है वो कहते हैं। सुनो नहीं भैया ऐसी बात है, वो तो पुद्गल की उस समय में परावर्तन की पर्याय होने वाली है तो होती है, और उस समय में यदि द्वेष आदि का परिणाम हुआ तो पर में डाल दिया, अपने में है ही नहीं, ऐसी बात है। सूक्ष्म है भैया रामचरी जी, नाता दिशा है, लड़ाई में भी नाता दिशा रहते जो उपयोग तो पर में है ना, उपयोग भले हो जानता देखता ही है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है प्रभु, ये बात धर्म की कोई स्थूल बात नहीं है। भगवान आत्मा एक ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य ऐसी अंतर में दृष्टि हुई तो ज्ञान के खान में सब ज्ञान ही आता है। आई तो त्यां कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को वो भी व्यवहार से कहा, क्योंकि उस समय में अपना ज्ञान है उसकी साथ राग संबंधी का जो लड़ाई संबंधी का जो किया उसका ज्ञान, पर ज्ञान का परिणाम हुआ है अपने से हुआ है, और राग है न क्रिया है तो ज्ञान का परिणाम हुआ है ऐसा नहीं। समझ में आया? धर्म भाई सूक्ष्म है भैया, अनंत काल से उसने अपनी चीज क्या है उसकी दृष्टि में लिया नहीं, और राग ने पर दृष्टि में लिया वो तो पर भाव है, ये अपना मानना हो तो मिथ्यात भाव है, ऐसी बात है। कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, पुद्गल परिणाम किसको कहा, शुभ अशुभ भाव और देह की क्रिया, कर्म का परिणाम, भाषा की पर्याय, सब पुद्गल परिणाम। उसके ज्ञान को, उसके ज्ञान को तो ये निमित्त संबंधी नैमित ज्ञान हुआ तो उसे कहते हैं, पर हुआ है अपने ज्ञान में से ज्ञान आया है, नहीं कि वो राग ने क्रिया होती है वो यहाँ अस्थि है कोई इतनी अस्थि है तो ज्ञान का परिणाम हुआ है ऐसा नहीं। समझ में आया? तुम बात है, कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को भाषा कैसे लिया है, आत्मा के कर्म रूप से करता हुआ, भगवान आत्मा अपना कार्य रूप से करता हुआ, धर्मी उसका संबंधी का ज्ञान वो अपना कार्य रूप से करता हुआ, अपना काम ऐसा करता हुआ, उसका ज्ञान अपना काम करता हुआ, भगवान तेरी पूंजी में अंदर में ज्ञान ने आनंद पर आए,
उसका उकेल होता है। जब दृष्टि त्या हुई तो उसका उकेल होता है, उकेल समझे, विकास विकास होता है। क्या राग का विकास होता है धर्मी को? क्या दृष्टि में राग पड़ा है कि दृष्टि में दृढ़ पड़ा है? दृष्टि में तो दृढ़ है, महानिधान है, चैतन्य निधान है, समझ में आया? तो कहते हैं ज्ञानी का चिन्ह उसका निधान लक्षण कैसे जानने में आवे, कैसे जानने में आवे कि वो वक्त भी, वो समय में भी, वो प्रसंग में भी धर्मी सम्यक दृष्टि का वो राग ने पुण्य के देश ने शरीर की किया कि लड़ाई के हथियार आदि की किया, उस संबंधी का जो अपना ज्ञान पर प्रकाश का ज्ञान अपने से जो पर हुआ है वो अपना ज्ञान का कार्य करते हुए ये ज्ञानी अपने को जानते हैं। जी ये अमलोचन जी वो आत्मा क्या उचित कल आया था आया नया वो यो आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न। देखो धर्मी जीव, भेद ज्ञानी जीव, आत्मा का भान ने बोध हुआ ऐसा धर्मी, आत्मा का आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न, वो राग का परिणाम, शुभादि का परिणाम, देह की क्रिया का परिणाम, देह की क्रिया नो कर्म में जाते हैं, राग आदि कर्म में जाते हैं, कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न। देखो अत्यंत अभाव है धर्मी की ज्ञान की पर्याय में, वो राग का विकल्प का व्यवहार विकल्प का अत्यंत भिन्न पड़ा है। जितन भाई अरे डॉक्टर न्याय की समझना पड़ेगा ना, लॉजिक से नहीं तो वो न्याय के क्यों कि आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न, विकार का परिणाम, कर्म की वो सही की अवस्था जो शरीर की अवस्था और स्वाहा आदि पूजा करते में लिए ऐसी क्रिया होती है, ऐसी क्रिया होती है वो हम कहते करते नहीं जीव होती है और उस सर्व का राग है उसका ज्ञान करता हुआ, क्योंकि वो राग से पर से कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न है। जनालाल जी आए धर्म भाई आप व्यवहार धर्म का है चारे तद्दन जुदा, पर का द्रव क्षेत्र का भाव सब जुदा, अने अपने में जो राग हुआ वो भी अत्यंत आत्मा से भिन्न, ये अन्य द्रव है धर्म। ऐसा व्यवहार करना पड़ता है, ऐसा व्यवहार तो करना पड़ता है, क्या करे तुम तो सही। व्यवहार का जो राग आया वो संबंधी अस्थि राग की है, तो वो कारण से यहाँ ज्ञान की अस्थि उत्पन्न हुई वो संबंध की, ऐसा ही नहीं, समझ में आया? राग का तो उत्पन्न करने वाला नहीं, पर का उत्पन्न करने वाला नहीं, पर राग ने अवस्था है तो वो संबंधी का ज्ञान वो कारण यहाँ है, अस्थि तो यहाँ उत्पन्न हुआ, ऐसा ही नहीं हम कहते यहाँ। हाँ उसका ज्ञान की पर्याय अपने से उसमें उत्पन्न होती है। हाँ वस्तु ऐसी लोगों ने सुनने में आवे नहीं थे कि दूसरी वस्तु हो जाए। मौत गाथा पांच ही दिन सूक्ष्म है, पंचोतीर छोतीर पंचोतर कहते हैं आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न, ज्ञान स्वरूप होता हुआ। देखो भाई जो बोला राग ने आमा परिणाम में कर्म ने नाखे ने राग में आत्म में रखे तो अत्यंत ज्ञानी होता हुआ कह, रागी होता हुआ कह नहीं आमा जो कहे का इतना जो मोह राग से कर्म नहीं पर्याय है आत्मा ना परिणाम नहीं, तो आई तो कहे अत्यंत भिन्न होता हुआ ज्ञानी होता हुआ पुण्य परिणाम होता हुआ रागी होता हुआ कह रहे समझाए अर्थ बीजो करे लोग पहला बोलते ना
નિશ્ચય મોર આગે સુખ આદિ અંતરંગ પુદગળ ના પરિણામ છે. એ કર્મ ના પરિણામ એટલે પુદગળ ના ઉદય ના પરિણામ છે. જડ ના એમ કે છે એમ નથી. જો એમ હોય તો અહીંયા કહેતે હે કે કર્મ નો કર્મ સે અચન બિન ક્યા હુઆ જ્ઞાન શરૂ હોતા હુઆ ક્યાં રાગી હોતા હુઆ બુજ પરિણામ કે હોતા હુઆ શું પરિણામ હોતા હુઆ એમ ખાય. સમજમાં આયા? વો રાગ કા જ્ઞાન તો રાગ સે અચન બિન હોતા હુઆ. ઓહો, વ્યવહાર વિકલ્પ જો ઉઠતે હૈ ઉસે તો જ્ઞાન કી પર્યાય ધર્મ કી પર્યાય અચન બિન ચલતી હૈ. એક ન ચલ એક ચલે તો મિથ્યા ડૂબ ગયા. સમજ મેં આયા? જ્ઞાન કી ધર્મ કી પર્યાય ઓર રાગ કી પર્યાય એક હોકર ચલે તો મિથ્યા ડૂબ ગયા. તો દો એક બુદ્ધિ રાગ ને આત્મા કઈ બુદ્ધિ હોય. કહેતે હૈ જ્ઞાન સ્વરૂપ હોતા હુઆ જ્ઞાની એમ કહા. પુણ્ય કર્મ કી જડ કી પર્યાય શરીર કી પર્યાય પુદગળ ઉસે ભિન્ન હોતા હુઆ રાગી હુઆ એસા નહીં કહા. અહીંયા સમજ મેં આયા? શાસ્ત્ર નો ઉકેલ કરવો કઠણ માણસ ને ભાઈ. આ ગાથા કેસા અર્થ કરતે કારણ કે આગળ એસા કઠણ આવી બાત સુખમ પરદ્રવ કી પર્યાય હૈ રાગ કી અપેક્ષા સે નિર્મળ પરિણામ પરદ્રવ કી પર્યાય હૈ. રાગ કી અપેક્ષા સે આત્મા કા નિર્મળ પરિણામ રાગ કી અપેક્ષા પરદ્રવ પરિણામ હૈ. અને અપના નિર્મળ પરિણામ કી અપેક્ષા સે રાગ કા પરિણામ પરદ્રવ પર્યાય હૈ. સમજમાં આયા? ભગવાન તેરા માર્ગ કેસા હૈ પહેલા નક્કી તો કરના પડેગા કે ના ઉસકો. અરે અનંત કાળ થી 84 ના અવતાર કલંક કલંક છે. યોગસાર માં આવે છે ને જન્મ લેવો એ કલંક છે. પરમ જનક. અરે આ બે હાડકા માટી આઉસમે રહેના ઉસમે રહેના કા અર્થ રાગ કી સાથ એકતા કરકે રહેના વો કલંક હૈ. સમજ મેં આયા? ઓર રાગ કે શરીર સે ભિન્ન હોકર જીવના વો જીવ કા જીવન હૈ. વો ધર્મી કા જીવન ને જીવ કા વો જીવન હૈ. ચાહે સો ઇન્દ્રપદ હો ચક્રપદ હો સબ જડ કી પર્યાય હૈ. આ ઇન્દ્રિયો પાંચ જડ માટી આ શરીર કા અવયવ હૈ. માટી કા પાંચ ઇન્દ્રિય અવયવ હૈ. વો પર્યાય કા અપના આત્મા કરને વાલા હૈ જિનકાલ મે નહીં. આ ઉસે જાનતે હૈ જિનકાલ મે નહીં. અપને કો અપને સે જાનતે હૈ તબ પુદગળ કી પર્યાય કા જ્ઞાન અપને સે હુઆ અપને સે હુઆ. લોકો ને અંતર માં બેસવું જોઈએ. ઓ એ વાત, એ વાત કહેતે હૈ કે જ્ઞાન શુભ હોતા હુઆ જ્ઞાની હૈ. જ્ઞાન સ્વરૂપ હોતા હોવા તો જ્ઞાન કી પર્યાય માં પછી સબ અનંત આનંદ આદિ કી પર્યાય હોતા હોવા જ્ઞાની એમ લેના. સમજમાં આયા? રાગ સ્વરૂપ રહેતા હતા હુઆ એસા નહીં. પણ પુણ્ય પાપ કા ભાવ અને શરીર કી ક્રિયા કા જ્ઞાન જો હૈ જાન કર જ્ઞાન કે સંબંધ સે મુખ્ય વાત યે ને. તો જ્ઞાન સ્વરૂપ હોતા હોવા જ્ઞાની હૈ તો ઓ સમય મેં શ્રદ્ધા શાંતિ આનંદ કી પર્યાય કે હોતા હુઆ ધર્મ હૈ. સમજમાં આયા? હવે વિશેષ ચર્ચા કરતે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય ટીકાકાર કુંદકુંદ આચાર્ય કી ટીકાકાર મુનિ દિગંબર સંત જંગલ વાસી વનવાસી વન મેં ટીકા બની હૈ બનાયો નિમિત્ત કથન હૈ. ઉદગળ પરિણામ કા જ્ઞાન કૌંસ મેં
वो पुण्य पाप का भाव देह की अवस्था वो वर्तमान बनती है उसमें वो संबंधी का यहाँ ज्ञान आत्मा में वो संबंधी का ज्ञान अपने से जो हुआ कि आत्मा का कर्म किस प्रकार है, उद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कार्य किस प्रकार है, है ना भैया, उसमें संस्कृत देखो संस्कृत प्रमाण अर्थ है देखो समझाया, उद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार है तो समझाते हैं क्या कहते हैं, देखो परमार्थ से खरेखर उद्गल परिणाम के ज्ञान को, उद्गल परिणाम के ज्ञान को, उद्गल परिणाम क्या ज्ञान क्या भिन्न चीज हुई, उद्गल परिणाम के ज्ञान को सो जो पुण्य पाप का भाव दयादान व्रत का भाव उद्गल परिणाम उसका ज्ञान को, पंडित जी सूक्ष्म बात है वर्तमान बहुत गड़बड़ी होती है, जो ऐसी माने तो सोनगढ़ की पक्ष हो गए ऐसे माने ले, अरे भगवान क्या कर रहे हैं, तो ऐसा माने रे सोनगढ़ पक्ष हो नहीं 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 वो नीचे का पक्ष है, वो नीचे ही नाम हाचा उनको सही है सच पक्ष है यथार्थ है वो बात यथार्थ है, कहते हैं कि परमार्थ है पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को, ऐसा देखो पुद्गल जो परिणाम कहा था ने उसको यहाँ पुद्गल कहा है, समझो उसमें पहला कहा था पुद्गल परिणाम के ज्ञान को उसको ही पुद्गल परिणाम को कहते हैं न कहते पुद्गल को कह दिया है, समझ में आया, वो पुण्य पाप दया दान व्रत काम क्रोधन का परिणाम उन पुद्गल का परिणाम उसको छोड़ करके कह दिया गया पुद्गल को, वो पुद्गल है ठीक नहीं है अज्ञान में, ज्ञान में नहीं को समझ में आया, परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कि बे पड़ा है तो ज्ञान भिन्न है पुद्गल परिणाम भिन्न है, तो पुद्गल परिणाम पुण्य पाप दया दान व्रत काम करो देव गुरु शास्त्र के श्रद्धा का राग पंच महाव्रत का राग वो सब पुद्गल परिणाम और उसका ज्ञान, एक बात कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को, अरे वो ज्ञान को और पुद्गल को जो पुद्गल परिणाम कहा था उसको यहाँ पुद्गल कहा, समझ में आया है ना, पुस्तक सामने पड़ा है देखो शब्द शब्द का एक एक अर्थ होता है, हमें कहीं इंसान के अर्थ नहीं है, सुन डालचंद जी उसमें है कि नहीं तो उसका सुधार तो होता है, देखो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को बड़ा है तो अध्यात्म शास्त्र एक एक पंक्ति में बहुत गर्व पड़ा है अंदर में, कहते हैं कि पुण्य पाप का व्यवहार रत्न त्रय जो पुद्गल परिणाम है, तो व्यवहार रत्न त्रय चौथे पांच छठे एकला व्यवहार रत्न त्रय नीचे तो नहीं ऐसे अभी चलते हैं, बहु गपन भरी जैन दर्शन का बहुत उलट पलट कर दिया है, आए कहते हैं देखो कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को, अरे वो पुद्गल परिणाम जो व्यवहार रत्नोत्तरी ने कर्म की अवस्था ने शरीर की अवस्था को पुद्गल परिणाम कहा था उसको पुद्गल कह दिया, अरे उसका ज्ञान को और पुद्गल को, समझ में आया, घट उम्र भ्रांति व्याप भाव का अभाव होने से जेम घट अवस्था कार्य ने कुंभार करता व्यापक
ऐसा है नहीं। कुंभार करने वाला और घट कार्य दो बीच में कर्ता कर्म का अभाव है। ऐसे है पुद्गल को, समझ में आया, और पुद्गल संबंधी का अपना ज्ञान को। घट में कुंभार नहीं बैठे हैं, कर्ता कर्म का बीच में अभाव है। हा तो क्या ही करते हैं, तो मोटी फिल्म पड़ते हैं। कहते हैं कि पुद्गल को और पुद्गल परिणाम के ज्ञान को अथवा पुद्गल का ज्ञान को, जो व्यवहार है अज्ञान भाव है। अज्ञान का अर्थ उसमें ज्ञान का किरण नहीं, मिथ्याद भाव नहीं। पुण्य दया दान व्रत व्यवहार स्वतंत्र है, विकल्प वो अज्ञान भाव है। अज्ञान का अर्थ उसमें ज्ञान नहीं, तो ज्ञान नहीं तो पुद्गल कह दिया उसको। वो परमाणु है ऐसा नहीं, पर वो ज्ञान नहीं तो जब पुद्गल में ज्ञान नहीं है उसमें ज्ञान नहीं तो पुद्गल कह दिया दो इसको। समझ में आया। कहते हैं कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान पर्याय जो निर्मो उसको और पुद्गल को, घट कुंभार नहीं तरह यही देव दिया तरफ के तरफ देखे माफक हमारे कहते माफक नहीं तुम्हारा अंतिम अनुसार ठीक है। घट कुंभार की अनुसार व्याप व्यापक भाव का अभाव होने से घट कार्य कुंभार करता ऐसा है नहीं। घट व्याप्य अवस्था कुंभार व्यापक करता ऐसा है नहीं। ऐसे पुद्गल को और पुद्गल का परिणाम को आत्मा करता न पुद्गल परिणाम कर्म ऐसा है नहीं। बात ये है भैया, तो मूल बात है, मूल बात है। पूरा बिल्कुल समझ में आया। वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकल केतनम सचेव अभाव तो बद्धा बद्धा एकल केतनम। वो समर का अधिकार है ना। जितना अभी तक मुक्ति हुई, मिथ्या से मुक्ति हुई, अवर्त से मुक्ति हुई, आदि विकल्प से मुक्ति हुई, वेद विज्ञान से मुक्ति हुई है। पर से राज से पर से पृथक कर अपने में मिथ्या से मुक्ति हुई, अवर से पर परसेंट पृथक होकर मुक्ति होती है। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केतनम, जितना अभी तक सिद्ध अनंत हुआ वो ही भेद विज्ञान से सिद्ध हुआ है। तसी अभाव तो बद्धा, ऐसा नहीं कहा कि कर्म के कारण से बंधा है, कर्म का जोर है तो बंधा है, कर्म के कारण रूप है, ऐसा नहीं कहा है। कर्म के कारण निगूद में रहा है ऐसा नहीं कहा है। यहाँ तसीव अभाव वेद ज्ञान का अभाव के कारण चार गति में रुलता है ऐसा कहा है। समझ में आया। नहीं, निगूद में तो कर्म की जोर है नहीं, एक इंद्री तक जब मन होता है तब कर्म का जोर मन पड़ते हैं, पर मन बिना का प्राणी क्या करे बेचारा, उसको तो कर्म का जोर में ही चलना पड़े प्रभाव में ही। नहीं जो सच्ची बात है, नहीं झूठी बात है, ही नहीं। समझ में आया। कहते हैं वो जीव पंक्तिया निगोध में रहते हैं कि पर से भेद नहीं पारने के कारण, भेद का अभाव के कारण क्या रह रहा है। हम तो नहीं पुद्गल के और पुद्गल का ज्ञान को घट कुंभार नहीं बैठे। व्याप व्यापक व्याप नाम कार्य न व्यापक नाम करता, व्याप नाम अवस्था न व्यापक नाम दृढ़। ये दृढ़ ने पर्याय करता ने कर्म भाव का, जैसे घड़ा में कुंभार में अभाव है ऐसे है कर्ता कर्म पर निकल सिद्धि है। ज्ञान कर्ता ने राग व्यवहार रत्न त्रय कार्य ऐसा अभाव है।
और व्यवहार रत्न त्रय कर्ता ने ज्ञान की पर्याय कार्य है सब ये भाव है। समझ में आया व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प है तो यहाँ ज्ञान की पर्याय हुए ऐसा नहीं। राग आदि का परिणाम वो करने वाला ज्ञान परिणाम सम्यक दर्शन आदि परिणाम उसके कान से हुआ ऐसा है नहीं। राग संबंधी ज्ञान कहा पर राग करता ने ज्ञान का परिणाम कर्म ऐसा है नहीं। बीजू उसका नाम निमित्त कहते हैं, करता न हो उसका नाम निमित्त कहते हैं, करता हो तो निमित्त रहते नहीं। समझ में आया भगवान आत्मा अपना स्वरूप को पुण्य पाप का विकल्प सैन पर से जहाँ भिन्न पड़ा और जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो कहते हैं कि वो ज्ञान हुआ वो राग था व्यवहार का राग तो राग है वो आत्मा का कार्य आत्मा के ज्ञान पर्याय करता कि ना घट कुंभार नहीं बैठे कर्ता कर्म का उसमें अभाव है। दूसरी रीते कहो तो भाई राग आदि है तो ये ज्ञान की पर्याय हुई इतनी तो अस्तित्व अस्तित्व है तो ज्ञान का पर्याय की अस्तित्व अंत आई ऐसा है कि ना। है कि नहीं पंडित जी पुस्तक रखा है कि नहीं, पुस्तक रखा है कि नहीं तो धीमे धीमे तो चलते भैया शांति से एक एक शब्द क्या क्या अर्थ है तो संस्कृत सिखा है आचार्य अमृतचंद्र आचार्य मुनि परमेश्वर पद में विराजमान था नमो लो ये सब आयुर्वान। समझ में आया एक एक अक्षर में एक एक शब्द में बड़ी गंभीरता है आज्ञम है परम आज्ञम है आप कहते हैं पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुमार निपेटे कर्तापने की स्थिति। और एक बात हुई जैसे घड़े और मिट्टी के वो लोग घड़ा ने कुंभार था और घड़ा ने मिट्टी आई है घड़े और मिट्टी को व्याप व्यापक भाव का सद्भाव ऐसे है मिट्टी करता है घड़ा कार्य है घरों व्याप्य है मिट्टी व्यापक है घरों पर्याय है मिट्टी द्रव्य है। समझ में आया तो कहते हैं वो तो संबंध बराबर है मिट्टी करता मिट्टी द्रव्य मिट्टी करने वाली चीज किसका घट की पर्याय का करता घट की पर्याय उसका कार्य घट की पर्याय व्यापक का व्याप्य। समझ में आया हाँ ये भारी बात वहां कहीं पड़ा कुंभार घड़ो नहीं करते क्या कभी नहीं हमारे प्रेमचंद भाई कहता है दाखलो कठिन से आके हमारा एक प्रेमचंद भाई गुजर गया 10 साल में प्रेमचंद भाई ने रामपुर वाला बैठे बैठते थे वो हरी पगड़ी बांधते हो 1 सेकंड में गुजर गया 1 सेकंड गरीब बैठे गए क्लास यहाँ भक्ति किया यहाँ बैठे थे व्याख्यान लोग सुना रह गया रामजी भाई ने हरे साथ में गया और हजी 1 घंटा तो चलिए छोड़ना है चाल कर गए कुछ नहीं भोजन लिया और भोजन थोड़ा लिया उसकी काकी माँ आए तो उसके साथ कहे कि मामा काकी मेरे को थोड़ा गुस्से हैं तो रोटी नहीं खाऊं लाओ भात भात में कड़ी लिया थोड़ा बैठे पानी पीने को खड़े हुए ऐसे जब सोते हैं खिला एक सेकंड वो पूछते थे बार बार आप तुम्हारा दृष्टांत हमको कठिन पड़ते हैं कुंभारे घड़ा किया नहीं बात हमको कठिन पड़ते है कुछ नहीं आए तो हम किया ऐसा किया फैसा किया तुम्हें आया
पर का हम उपकार किया, पर से मेरे में उपकार हुआ। भैया एक द्रव से दूसरा द्रव में कुछ होता नहीं। आई तो कहते हैं कि भगवान तेरी ज्ञान पूंजी चिद घन आत्मा, चिद घन आत्मा ऐसी जहां दृष्टि चिद घन अपनी पूंजी है, ऐसी दृष्टि हुई तो चिद घन में से जो उस समय मां प्रसंग में जो राजादि पुण्यादि भाव अशुभादि के पाठी क्रिया हो तो उसकी अस्थि से या ज्ञान का परिणाम हुआ है, ऐसा नहीं। अपना ज्ञान की अस्थि से विकास होकर उस संबंधी का ज्ञान, अपना संबंधी का ज्ञान विकास अपने हुआ है। समझ में आया? मिट्टी के और घड़े के व्याप व्याप भाव का सद्भाव होने से, क्या सद्भाव है, ये सच्चापना है, वो भाव की यथार्थता है, तो कर्ता कर्मपना है, कर्ता कर्मपना है। माटी कर्ता है, माटी व्यापक है, माटी द्रव है, घड़ो व्याप है, घड़ो पर्याय है, घड़ो कर्म है, कर्म नाम काम। समझ में आया? और जैसे घड़े और मिट्टी के व्याप व्याप भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार वो दृष्टांत प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के देखो। वे आत्म परिणाम इतले कौन, ज्ञाता दृष्टा ने आनंद का परिणाम जो था, जो पुण्य पाप का परिणाम का ज्ञान किया था, वो अज्ञान का परिणाम, वो आत्मा का परिणाम। वो राग ने कर्म की क्रिया, वो आत्मा का परिणाम नहीं। समझ में आया? व्यवहार रत्न त्रय आत्मा का परिणाम ही नहीं। हाँ 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 अचारे तो ऐसा कहते सब पंडित कितला चौथे पांचवे छठे शुभ उपयोगी है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। समझ में आया है? हाँ कहते हैं नहीं तुम्हारे क्या गांव में से कहते हैं तुम्हारे खबर से अच्छा आठ में तीन लेते हैं तो छठा गुणस्थान पंचम गुणस्थान उपरांत को तो मुख्य पणे सदुपयोगी कहा है, गौण पणे चौथे पांच में भी लिया है। क्या कहते हैं? समझ में आया? चौथे पांच में गौण पणे विशेष पणे क्या चारित्र की दिशा है, छठे गुणस्थान है तो क्या वितरागी संकीति नीचे संकेत क्या गिना कहा है, कहा तो कहीं छठे छठे शुद्धि सातवें शुद्धि को नीचे संकेत होता है, नीचे आठवें होता है। अभी कोई है नहीं ऐसा, मैं की हरकत नहीं जा, शुभ करते तुम धन्य हो जाओ। बस वो कहते ना आत्मा होता नहीं तो संकित है, नहीं ना संकित है पर व्यवहार संकित नीचे ही नहीं। हाँ हाँ नीचे का स्वभाव का आश्रय लिए बिना तेरे सम्यक दर्शन आया कहां से, व्यवहार शुभ योग तो प्रकाश रहे है। वो तो आई कहते हैं शुभ उपयोग का परिणाम तेरा चीज है, शुभ उपयोग का जाना हुआ जो परिणाम वो तेरी चीज है, और ये आत्मा का परिणाम, आत्मा का परिणाम और आत्मा में व्याप व्यापक संबंध है। देखो भैया पर देखो यहाँ क्या है, कोई बांटते नहीं मजसते अगर है साफ है, पर साफ ही चीज होती है ना, चीज का अव्यक्त है स्पष्ट है। एक एक श्लोक में बड़ा गंभीर दिगंबर संतो अंतर की अनुभव की बात चारित्र सहित की बात कहते हैं। समझ में आया? अपना स्वसंवेदन का वैभव से चारित्र का स्वसंवेदन से कहते हैं। वो बात है। ऐसी बात अभी क्या ही कोई शास्त्र में दूसरा में तो कोई नहीं, पर ऐसी स्पष्टता कर्ता कर्म की यहाँ ऐसा दूसरा शास्त्र में ऐसी स्पष्टता नहीं।
समझ में आया? कुंकुंडाचार्य कर्ता कर्म का अधिकार ऐसा ऐसा मनाया हो, ऐसी स्पष्टता सौंतरी जाता है ना, दूसरा ग्रंथ ऐसी स्पष्टता नहीं। भारत में दूसरे में भय ही नहीं, जितराज मार्ग दिगंबर धर्म शिवाय दूसरे तो है ही नहीं। समझे, वो दिगंबर धर्म आत्मा का धर्म है, और कोई संप्रदाय का नहीं। दिग नाम कपड़ा, उसके रहित आत्मा का स्वभाव, उसका नाम दिगंबर धर्म। समझे, उस मुनि की दिगंबर दिशा से नाम लिया है। आए तो व्यवहार का कपड़ा भी आत्मा में नहीं। समझ में आया, ये विकल्प का कपड़ा और जड़ में जाते हैं। देखो है, उतार लिया। व्यवहारी समझी थी आवेदन देना, व्यवहारी समझी थी। अरे भाई मोटा पंडित एम के तेंड बधा एमती वधारे कहते हैं, एने थोड़ी एम तो व्यक्त कहता है भाई, जेम जेम निरुपाधि समझा ने, जे जे अंशे रे निरुपाधि कहू स्वेतांबर ना चाहते, जे जे अंशे रे निरुपाधि कहू ते ते अंशे रे धर्म तोथा संकित गुण का न थी जावल शिव शर्म, जे जे अंशे रे निरुपाधि कहू राग ने पुनना विकल्प नि उपाधि से रही, अपना शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान शांति जो वितरागी पर्याय है तो हमसे धर्म है। समझ में आया, जे जे अंशे रे निरुपाधि कहू मैं यशोद जी कहते, पर पता दूसरे भी दौर करे तो गड़बड़ उठे, चौथा संकित गुणस्थान थकी निरुपाधि राग विना की चीज निरुपाधि वो धर्म है, अने कम उपाधि जितना राग आदि उपाधि विभाव व्याधि है, विभाव की व्याधि। समझ में आया, कहते हैं कि जैम घराने माटी ने कर्ता कर्म संबंध है, उसी प्रकार आत्म परिणाम, आत्म परिणाम का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वितरागी पर्याय, उसका नाम आत्मा का परिणाम, व्यवहार रत्नत्रयी भगवान आत्मा का परिणाम नहीं, वो जड़ का परिणाम है, बिल्कुल नहीं। व्यवहार से आत्मा का परिणाम पर्याय, नीचे से आत्मा द्रव्य। समझ में आया, जैनी से नहीं प्रवचन फरमाया, जैनी चौरम मां आत्मव्यवहार चैतन विलास नाम आत्मव्यवहार, राज नहीं, राज तो पर नहीं गई, चैतन विलास चौरामी गाथा में प्रवचन था। समझ में आया, चौराण गाथा गृह अधिकार, भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से रहित, अपना द्रव की दृष्टि में श्रद्धा ज्ञान राग रहित की विलास की परिणति है, वो आत्म विलास व्यवहार है, चेतन विलास वो व्यवहार है, रागादि व्यवहार नहीं। देखो अज्ञानी छे अज्ञानी अविचलित चेतना विलास मात्र व्यवहार को अंगीकार करके धर्मी जीव कैसा है, अविचलित चेतना विलास ज्ञान श्रद्धा शांति अरागी, श्रद्धा अरागी ज्ञान अरागी परिणाम
निर्मल जो मोक्ष मार्ग का परिणाम, उसको अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार, वो आत्मा का व्यवहार है। पर्याय है ना, पर्याय व्यवहार है द्रव्य नीचे, वो राग आदि व्यवहार नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग वो व्यवहार है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं, जड़ के परिणाम में गई है। समझ में आया? आप तो अपनी निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पर्याय, उसको अविचली चेतना मात्र आत्म व्यवहार कहने में आया है। गुण पाप दयादान विकल्प व्यवहार रत्न त्रिकोटि आत्म व्यवहार ही नहीं उसका, तो पर नहीं मनुष्य व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार चार गति में रुलने वाला का व्यवहार है। भारी काम आपने सोराणु गाथा देखो, जेमा समस्त क्रियाकलाप ने भेटू आवे छे मनुष्य आश्रय नहीं करता। धर्मी जीव पुण्य दयादान की विकल्प जो क्रिया है उसको एकत्व नहीं करते हैं अपने में। देखो क्रियाकलाप ने भेटू आवे छे आश्रय नहीं करता, राग को आश्रय करते नहीं धर्मी, सम्यक दृष्टि व्यवहार का आश्रय करते नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ बात लोगों ने जो लागू क्या हमारा फोन कर दिया, हम कहीं फोन कर दे कह दिए हमारा दिन ऊंचा एक हो त्रण काल में परमार्थ नो पंथ, त्रणे काल भगवान नो मार्ग एक ही है, उससे गड़बड़ कर दे के दूसरा हो जाता है सा नहीं, बहुत लिया चौराणु का तुमने चौराणु नौ और चार आत्मव्यवहार अविचलित चेतना आत्मव्यवहार मिथ्या दृष्टि अविचलित आत्मव्यवहार से भ्रष्ट होकर पुण्य परिणाम को व्यवहार मानकर रूट है। समझ में आया? अरे बात भाई हम कहते हैं कि घड़ा ने कुंभार नहीं पैठे, घड़ा ने माटी नहीं पैठे, कर्ता कर्म का संबंध है। ऐसे आत्म परिणाम अर्थात चेतन विलास जो यहां कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय स्वाश्रय वितरागी पर्याय उत्पन्न हुई, वो आत्म व्यवहार, वो आत्म परिणाम। यहां जो व्यवहार कहा था यहां परिणाम कहा है, क्योंकि परिणाम व्यवहार है, भेद पड़ गया ना, ग्रह निश्चय है तो परिणाम व्यवहार है। हाँ 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 सुहानमल जी बात है, आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप व्यापक भाव का सद्भावन है, निश्चय मोक्ष मार्ग ओ व्यवहार और ओ आत्मा का और ओ आत्मा का परिणाम पर्याय माटी राग विकल्प आदि जड़ में गई। अरे जी सच की खबर ये नहीं, अने सास का अर्थ ही ऊंधा करे है, जाति अंध नो रे दोष नया करो, जाति अंध नो रे दोष नया करो, ये जन्म से अंध है बचा जो जाने नहीं अर्थ, मिथ्या दृष्टि रे तीतिया करो, अरे करे अर्थ ना अनर्थ, शास्त्र ना अर्थ ना अनर्थ करे, ये जाति अंध करता मिथ्या दृष्टि महाकलुषित कर्म निगोद में जाने वाला है। हाँ समझ में आया? कहते हैं आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप व्यापक भाव का सद्भाव ऐसे कर्ता कर्म पर है। देखो ओहो भगवान आत्मा कर्ता होकर अपना शुद्ध परिणाम जो पुण्य पाप का व्यवहार का ज्ञान परिणाम जो हुआ, वो अपना शुद्ध ज्ञान श्रद्धा शांति का परिणाम रूपी कर्म के करने वाला है आत्मा। कर्ता आत्मद्रय
और वितरागी परिणाम चौथे गुण साने जी सम्यक दर्शन ज्ञान और स्वरूपाचरण आदि चीजता हुई वो अपना परिणाम उसको आत्मा करता वो परिणाम उसका काय समझ में आया। हमारा तो कोई गड़बड़ रहे ऐसी कोई चीज नहीं है। हवे कहते हैं जी खुलासा प्रतिशेष करते हैं आत्मंत्र स्वतंत्र व्यापक होने से क्या कहते हैं भाई वो व्यवहार रत्नत्र का विकल्प है देह की क्रिया है तो उससे कुछ का कुछ कोई मदद मिली कि नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान का परिणाम में कारण वो संबंधी ज्ञान क्या था ना क्या क्या मतलब हम जानो पहले कहा था ना कि जो व्यवहार रत्नत्र देह की क्रिया वो संबंधी का यहाँ ज्ञान तो आज वो संबंधी का ज्ञान हुआ उसमें कोई पर की अपेक्षा है कि नहीं वो परिणाम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो मोक्ष मार्ग का परिणाम जो शुद्ध धर्मी का परिणाम उसमें पर की कोई अपेक्षा है कि नहीं व्यवहार है तो ज्ञान व्यवहार से हुआ ऐसा नहीं व्यवहार है अस्थि तो वो संबंधी का ज्ञान हुआ नहीं यहाँ तो ज्ञान ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान हुआ में उसकी कोई अपेक्षा रही कि नहीं अस्थि की कि नहीं अस्थि की अपेक्षा नहीं हो राग से ज्ञान होता है वो तो नहीं क्या राग कारण में शुद्धता कार्य वो तो या नहीं आ तो राग आदि है तो यहाँ उस संबंधी का ज्ञान हुआ तो ज्ञान की पर्याय में इतनी अपेक्षा अस्थि की निमित्त की है कि नहीं कि नहीं रूपचंद जी वो मार्ग कैसा है वितराग का ऐसा मार्ग है वितराग का ऐसा मार्ग है एक हो तीन काल में परमार्थ का पंथ कहते हैं कि आत्मदृष्ट स्वतंत्र व्यापक होकर क्या कहते स्वतंत्र व्यापक होने से ये आत्मा सम्यक दर्शन का परिणाम किया और सम्यक ज्ञान का परिणाम किया और चारित्र के वितराग पर्याय हुई ये आत्मदर स्वतंत्र कर्ता होकर कर्ता कहना है ना कर्ता कर्म की बात सिद्ध करते हैं आत्म परिणाम कार्य आत्म कर्ता तो कैसे हैं कि आत्मदर कर्ता स्वतंत्र होकर व्यापक होते हैं मतलब नहीं देखो आत्मद्रव स्वतंत्र व्यापक कर्ता स्वतंत्र है वो राग आदि है तो वो उसके कार्य तो यहां ना हुआ पर कोई अपेक्षा अस्थि है उस संबंधी ज्ञान हुआ तो उसमें स्वतंत्रता अपनी रहती है कि कोई थोड़ी परतंत्रता होती है नहीं पूरे पूरी स्वतंत्रता द्रव के अंदर आश्रय है राग संबंधी का ज्ञान व्यवहार संबंधी का ज्ञान अपना स्वतंत्र द्रव होकर व्यापक होता है समझ में आया तो समय सार की मूल चीज है मूल गाथा है तो समझ में आया नीचे रतन ना परिणाम ही आत्मा ना परिणाम पर वो परिणाम नो करता कौन स्वतंत्र आत्मदृष्ट उसमें पर की बिल्कुल अपेक्षा नहीं समझ में आया देखो ने है ने पुस्तक पढ़ा है ने सामने आत्मद्रव स्वतंत्र व्यापक भगवान आत्मा जो क्या कहते हैं न्याय स्वरूप शुद्ध द्रव स्वरूप धर्मी की दृष्टि में जो द्रव आया तो द्रवी स्वतंत्र व्यापक होकर कर्ता होकर स्वतंत्र करे सो कर्ता स्वतंत्र करे सो कर्ता अने कर्ता का इष्ट सो कर्म कर्ता का प्रिय सो कर्म तो ज्ञानी स्वतंत्र पर अपना द्रव्य से व्यापक करता होकर आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है आत्म परिणाम का इतने पुद्गल परिणाम के ज्ञान का समझे समझ में आया मैसी तो कहने में आते हैं कि प्रोफेसर एक कलाक बोल जाए ऐसी बात नहीं है
हाँ, अपना कर्ता स्वतंत्र होकर ज्ञान ती संबंधी का ज्ञान परिणाम का कर्ता होता है। व्यवहार का ज्ञान जो हुआ वो ज्ञान परिणाम आत्मा स्वतंत्र होकर अपना पुद्गल परिणाम का ज्ञान को अपना करते हैं। समझ में आया? दोनों पुस्तक में है ना भैया, तो गाथा ऊंची लिया है थोड़ी, सोलहवीं बार शुरू करना था पहले से, पर भैया थोड़ा अरे तुम्हारे क्यों कह रहा हूँ क्लास थोड़ा सुने तो खरा, क्या है जैन दर्शन का कर्ता कर्म संबंध ऐसा ने ऐसा उल्टा अर्थ करे अने माने के मैं समय सार का अर्थ करते हैं। कुंद कुंद आचार्य हम कहते हैं, अमृत चंद्र आचार्य हम कहते हैं, इस एक परमेश्वर हम कहते हैं। अपनी दृष्टि बनाकर शास्त्र का अर्थ करे अने कहते परमेश्वर हम कहता है, कुंद कुंद आचार्य हम कहते मानता नचारी भगवान। तुम्हारा इष्ट तो कुंद कुंद आचार्य, तो तुम इष्ट तो मानते नहीं, इसे हम कहते व्यवहार साधन नीचे साध ऐसे कहते हैं, त्या पंचासी काय में ऐसे कहते हैं। अरे भगवान तो नहीं खबर नहीं उसका अर्थ की, त्या व्यवहार साधन तो व्यवहार नहीं से निमित्त का ज्ञान कराया है। समझ में आया? पंचासी काय आदि में व्यवहार साधन नीचे साध, वो तो व्यवहार कैसा था उस समय में उसका ज्ञान कराया है। वो साधन है खरे खर न साज हुआ है ऐसा उसका अर्थ नहीं। समझ आया? भाई कोई कहे व्यवहार व्यवहार पहले नहीं थे पीछे, क्यों के साधन साधन पहले हो साज पीछे हो। अरे ऐसा है नहीं, तुम तो सही। अने कारण पहले ने कार्य पीछे, तो व्यवहार को कारण कहा नीचे को कार्य कहा, माचे कारण पहले होना चाहिए। अरे सुन तो सही, कारण जो राग को कहा हो तो निमित्त का कथन से व्यवहार से कहा है। सधा में आया ना मुख्य उपचार, आखिर की गाथा मुख्य निश्चय व्यवहार उपचार से कथन है। चली गाथा मारे मुख्य उपचार, मुख्य तो निश्चय है, मुख्य तो वो खड़ा है। राग को कहना व्यवहार को तो उपचार है, तो उपचार साधन कहा वो तो निमित्त का ज्ञान कराने को कहा। आई तो कहे कि निमित्त वो है तो ज्ञान हुआ कि ना, ये नहीं। समझ में आया? जो ज्ञान की पर्याय अपना द्रव्य से स्वतंत्र व्यापक होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय द्रव्य का लक्ष्य द्रव्य की स्वतंत्र व्यापक होकर हुई, उसमें कोई पर की अपेक्षा है? निश्चय मोक्ष मार्ग अपना द्रव्य से व्यापक हुआ, उसमें कोई पर की अपेक्षा है? भगवान का मार्ग सापेक्ष निरपेक्ष दो ही है। हम कहते हैं अमर चंद्र हम तो सही, निरपेक्ष मार्ग यथार्थ है उसका ज्ञान हुआ, पीछे निमित्त कौन है उसका ज्ञान करते हैं। भारी बात भाई, आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से, स्वतंत्र कर्ता होने से आत्म परिणाम ना मोक्ष का मार्ग वितरागी श्रद्धा आत्मा की, वितरागी स्वर समय ज्ञान मान राग रहित आत्मा स्वरूप आत्म स्थिरता, ये आत्म परिणाम का पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। स्वतंत्र होकर पुद्गल परिणाम का ज्ञान का करता है, पुद्गल परिणाम के अस्थि की अपेक्षा है तो यह ज्ञान होता है ऐसा नहीं। और पुद्गल परिणाम का ज्ञान व्यवहार रत्नत्रय का जो विकल्प है वो पुद्गल परिणाम है, उसका जो है ज्ञान हुआ वो व्यापक से स्वयं व्याप होने से कम है, ये पर्याय स्वयं व्याप हो गई तो भी पर की अपेक्षा बिना। हाँ हाँ, कितनी सिद्धि कर दी है व्यापक करता ने पर्याय उस समय की, वो इस समय की होने वाली वो स्वयं व्याप होकर व्याप हो गई है। नहीं द्रव की अपेक्षा नहीं, हम कहते हैं भरनी अपेक्षा तो नहीं, पर द्रव व्यापक है। मैं आई तो कहे थे करता हो, पर पुद्गल परिणाम का उस व्यापक से है स्वयं व्याप होने से कर्म है, अपनी पर्याय स्वयं वितरागी पर्याय से उसका कार्य है। समझ में आया?
आ उसका नाम मोक्ष का मार्ग ने उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है विशेष बात आई।